हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर में तीन पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बेसिकली वही सब रिस्पॉन्सिबल होते थे केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम्स में कैसे प्लेस किए जाते हैं, यानी कि जो एटम्स के बाहर ऑर्बिट्स हैं उनमें कैसे प्लेस किए जाते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पार्टिकल ऑफ एटम है वो कैसे अरेंज किए जाते हैं एटम्स में। ठीक है, उससे पहले हम ब्रीफली फटाफट एक बार इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं एटम के जो उसके बाहर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इनमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और इनको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर किया जाता है या बोरो लेंड किया जाता है, इसी वजह से केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन से कैसे अरेंज किए जाते हैं एटम में। ठीक है, ये जो इनके अरेंजमेंट है वो डिपेंड करती है उनके एनर्जी लेवल्स पे, शेल्स के एनर्जी लेवल्स पे। अब ये शेल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये शेल्स बेसिकली जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स को बोलते हैं शेल्स, और इन शेल्स को नेम दिया गया है के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस एटम में, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल शेल इज के से, देन एल, देन एम एंड सो ऑन। ठीक है, अब एनर्जी लेवल से मतलब है कि इसमें जो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है के, इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हमेशा सिर्फ दो ही एलिमेंट्स जो है, सॉरी दो ही इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कैसे किया जाता है, यानी कि फर्स्ट शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, थ्री क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो अरेंजमेंट है कि कितने शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का, यानी कि कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है, दिस इज 2n स्क्वायर। अब n का मतलब है कि ऑर्बिट का नंबर, कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है या थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे ये है 2n स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक एटम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिट के। अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिर्फ टू ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका नंबर वन है, दिस इज वन, फर्स्ट शेल है, तो इसमें हम फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन, दिस विल बी टू मल्टीप्लाई बाय वन का स्क्वायर, वन स्क्वायर इज वन, टू इंटू वन इज टू। इट मीन्स कि जो फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ दो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए जो है वो 2n स्क्वायर, सेम फॉर्मूला रहेगा, ओनली थिंग जो डिफर होगी वो होगी n, यानी कि n बेसिकली क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है। अब यहाँ पे सेकेंड शेल आ गया, फर्स्ट शेल में तो टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, अब सेकेंड n टू आ गया, टू इंटू दिस, टू रेज टू पावर टू इज फोर, फोर इंटू टू इज एट, यानी कि जो सेकेंड शेल है, यानी कि सेकेंड शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स्ड होंगे, वो है 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सेकेंड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बेसिकली पता चलता है उस एटम के एटॉमिक नंबर से।
ठीक है। अब एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स पढ़ा था, दे वर द पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एन एटम और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली उस एटम के प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि एक न्यूट्रल एटम यानी किसी वो एटम जिसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के। और वो इलेक्ट्रॉन्स भी किसके इक्वल होता है, यानी कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, एंड प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं इन एन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इस एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से, ठीक है। प्रोटॉन्स को किससे डिनोट किया जाता है, पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से, एंड एटॉमिक नंबर को जेड से, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एच ई यानी कि हीलियम का एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, टू, और उसमें प्रोटॉन्स भी कितने हुए, टू। नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ठीक है, मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसे ये एटम है उसका ये न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो मास नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, वो क्या बनता है, मास नंबर बनता है किसी भी एटम का, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिलके न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब मास नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, लेटर ए से। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता था, लेटर जेड से। मास नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर ए, ठीक है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर से इंडिकेट करते हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल पे उनको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसे सी कार्बन 12 एंड 6, 12 स्टैंड्स फॉर मास नंबर एंड 6 स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर हमेशा मास नंबर होगा, ठीक है। और अगर हमें मास नंबर पता है और हमें एटॉमिक नंबर भी पता है, ठीक है, तो हम उसे इजीली क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारे पास मास नंबर 12 है, प्रोटॉन्स नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल विच इज 6, प्लस न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं, तो यहाँ से हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल इज स्टैंड्स फॉर ओ, एटॉमिक नंबर इज 8, ठीक है, एंड उसका एटॉमिक मास इज 15.999, उसको अप्रॉक्सीमेटली 16 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब कुछ एटम्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें उनका एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है या मास नंबर सेम हो जाता है, ठीक है। तो उन एटम्स को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इसमें आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये मास नंबर कैसे डिफरेंट हो जाता है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऊपर होता है मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये मास नंबर कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमने पढ़ा था कि मास नंबर इज बेसिकली व्हाट, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर इनका सम करें, दिस इज 12, 13 एंड 14, तो इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स को जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है उनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स, ठीक है। अब है आइसोबार्स। आइसोबार्स बेसिकली वो एटम्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो
डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के मास नंबर इज सेम, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनका मास नंबर 40 40 40 है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनके न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, मास नंबर इज 14 एंड एटॉमिक नंबर इज 6, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो दैट विल बी मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर हम न्यूट्रॉन्स निकाले, 14 माइनस 6 इज 8, सेकेंड नाइट्रोजन में 15 माइनस 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे विल कम आउट टू बी 8। ऑक्सीजन के भी ऐसे कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8। यानी कि आइसोटोन्स बेसिकली वो एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि उनका मास नंबर या एटॉमिक नंबर सेम हो या ना हो, ठीक है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वो एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। अब नाइट्रोस ऑक्साइड N2O, ठीक है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलके बना है। अब नाइट्रोजन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम में, दैट इज 7, ठीक है। अब यहाँ पे दो एटम्स हैं नाइट्रोजन के N2, तो 7 × 2 बिकम्स 14, और एक ऑक्सीजन एटम में कितने एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर 8, दोनों मिला के इट्स 22। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, और एक ऑक्सीजन में 8, और यहाँ पे दो एटम्स है, 8 × 6 इज 16, 16 प्लस 6 कम आउट टू बी 22, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, और ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ पे है, ये आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, जैसे पढ़ा था कि एटम का न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये ऑर्बिट्स हैं यानी कि शेल्स हैं, ठीक है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वो एक भी हो सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा एटम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होते हैं, 2। अब 17 में से 2 गए, कितने हो गए, 17 माइनस 2 दैट इज 15, और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिक्स किए गए थे, 8, तो 15 में से अब 8 इलेक्ट्रॉन भी प्लेस हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, 7, यानी कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7, तो यानी कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, थर्ड सेकेंड में 8 एंड थर्ड शेल में 7, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, 7, तो उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन्हीं वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है, और यही कंबाइनिंग कैपेसिटी बेसिकली शो करती है कि जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करेगा या वो लूज करेगा टू गेन ऑक्टेट स्टेट। अब ऑक्टेट स्टेट बेसिकली वो स्टेट है जिसमें कोई भी एक एटम या एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो ना कोई और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है ना ही वो लूज कर सकता है, वो बिल्कुल स्टेबल हो गया है, ठीक है, तो उस स्टेट को बोलते हैं ऑक्टेट स्टेट। तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं उसकी वैलेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 7, यानी कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 वैलेंस शेल्स में, ठीक है। अब किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम होती है 2, 8, 8, ठीक है, तो यानी कि उसको लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8, उसके पास है कितने,
सेवन, यानी कि उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट स्टेट यानी कि स्टेबल होने के लिए, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हो सकता है अगर उसको स्टेबिलिटी अगर गेन करनी है तो वो सेवन लूज कर दे, लेकिन किसी भी एटम को सेवन इलेक्ट्रॉन्स लूज करने बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी लगती है, लेकिन इसलिए रादर देन लूजिंग सेवन इलेक्ट्रॉन्स वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी जो बन जाती है वो है सेवन। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन एटम है, इसके फर्स्ट शेल में टू एटम्स हैं, सेकेंड में एट हैं, थर्ड में इज सेवन, यानी कि किसी और एक एटम से वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज किए जाते हैं वो एलिमेंट की क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2, 8 एंड 6, यानी कि फर्स्ट शेल में टू एटम्स फिक्स्ड होते हैं, सेकेंड में एट, थर्ड में कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, सिक्स, यानी कि इसको अपनी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि इसमें लास्ट में एट इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए उसे दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो मीन्स जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी बन जाएगी दैट विल कम आउट टू बी 2। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के, तो उससे हम उसकी वैलेंसी को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है वो है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, इसमें बेसिकली वो है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करते, यानी कि उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, या इनर्ट एलिमेंट्स, रेयर एलिमेंट्स या नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, रेडन, ये सब जो एलिमेंट्स हैं इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो यूज किए जाते हैं लैम्प्स बनाने के लिए, नियॉन लाइट, लेजर लाइट्स, ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको इन लाइट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, यानी कि ना ही वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18। ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट, तो मींस कि वो एटम जो है वो स्टेबल हो गया। ठीक है, अब जो आर्गन है इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होते हैं, सेकेंड में 8 होते हैं, अब थर्ड में कितने आएंगे, देखो 2 प्लस 8 10 इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स हो गए, अब 18 माइनस 10 इज 8, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, यानी कि जो ये एलिमेंट है वो स्टेबल हो गया, यानी कि ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी वजह से वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, अब इसके पास तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी। रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन के बाद प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार उसका आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू क्वेश्चन। सबसे पहले है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, ठीक है, जो न्यूक्लियस है एटम का सेंट्रल पार्ट है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, या सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं। द आंसर इज इट्स सी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके आउटर एरिया में जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल नहीं है, एन एटम, अ मॉलिक्यूल, एक आयन, या नन ऑफ दीज। द आंसर इज इट्स बी, अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल किसका बेसिक पार्टिकल होता है, कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे
ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट, फर्स्ट ऑर्बिट में, या किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ए द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. लास्ट क्वेश्चन इज विच इज द हैवीएस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग नोबल गैसेस. ठीक है, नोबल गैसेस में से सबसे हैवीएस्ट गैस कौन सी होती है? ज़ेनन, आर्गन, रेडन और इट्स डी हीलियम. द आंसर इज इट्स सी रेडन. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.